हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने वोटर कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई भी नेम या डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस कुछ भी गलत है, कुछ भी करेक्शन है, उसको आप ऑनलाइन कैसे करेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट है voterportal.eci.gov.in। देखिए इस तरह से ये जो इनकी साइट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना होगा, अपनी अगर आपके यहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं है, इसके रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप ये देख लेंगे कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर दें। यहाँ पे जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपका एक ईमेल आईडी यानी कि और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, वो आपको सिंपली यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि मैंने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है, नीचे आपको कैप्चा कोड डालना होगा, जो भी है सॉल्व द मैथमेटिक्स एरर। तो आपको सिंपली ये करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर दें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका जो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं। आपको टॉप पे दिख रहा होगा होम लिखा हुआ, इलेक्ट्रो सर्च कंप्लेन, अपना ट्रैक स्टेटस, सेव्ड फॉर्म, ये डिटेल्स लिखी हुई हैं। आपको नीचे दिख रहा होगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले सर्विस जो दिख रही है, जो भी न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिनका वोटर कार्ड नहीं बना है, 18 प्लस हो चुके हैं, वो अपना यहाँ से न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पे ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे भी दिख रही होगी। तो उसके बाद अगर बात करूँ करेक्शन इन वोटर कार्ड, जो आज हम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद शिफ्ट टू अदर प्लेस, रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर कार्ड या डिलीट कर ऑफ वोटर कार्ड, ठीक है, डिलीटेशन ऑफ। उसके बाद आपको क्या करना होगा, करेक्शन इन वोटर कार्ड्स पे क्लिक कर देना है सिंपली। वो करेक्शन इन वोटर कार्ड्स पे क्लिक करने के बाद इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका जो वेलकम मैसेजेस होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें डिटेल्स लिखी होगी, जैसे लिखा हुआ है योर फॉर्म विल बी सबमिटेड टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। उसके बाद जो भी आपका रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, वो आप ट्रैक करके अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो देख सकते हैं। आपको सिंपली लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें लिखा हुआ है डू यू ऑलरेडी हैव वोटर कार्ड नंबर, ठीक है। जो आपका पुराना नंबर यानी कि अगर आपके पास है, तो आपको सिंपली येस पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डिटेल्स आपको सर्च करने का कहेगा, आपको सिंपली अपना येस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। येस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपसे वो वोटर आईडी नंबर मांगेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना जो वोटर आईडी नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। आपका जो पुराना अपना वोटर कार्ड होगा, उससे आपको सिंपली यहाँ पे अपना वोटर आईडी नंबर डाल देना है। जैसे मैं अपना जो भी वोटर आईडी नंबर है वो डाल दूंगा यहाँ पे। तो उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। फिर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद इस तरह से जैसे बोल रहा है वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड्स फॉर योर वोटर आईडी, जो भी है प्लीज क्लिक ऑन प्रोसीड बटन, तो आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपकी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपका नेम, जेंडर, स्टेट सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ कहेगा कि यू नीड टू अपडेट योर मोबाइल नंबर, यानी कि आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा, जिसके जो भी मोबाइल नंबर आपका वर्किंग में है, आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दूंगा और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जो भी आपने यहाँ पे टाइप किया होगा, उस पे ओटीपी आ जाएगा, आपको सिंपली ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है। तो जैसे मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा 913424, ठीक है। तो सिंपली आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद इस तरह से जो भी आपका सर्टिफिकेट वेरीफाइड हो गया, जो मोबाइल नंबर था आपका, यहाँ पे एंट्रीज आएंगी, सिलेक्ट द एंट्रीज विच इज टू बी करेक्टेड। तो आपको यहाँ पे जो भी आपके करेक्शंस हैं वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 एंट्रीज होंगी, यानी कि आप 3 एंट्रीज यानी कि 3 चीज़ें आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी आएगा नेम, नेम ऑफ द रिलेशन, एज, उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन, जेंडर, एड्रेस करेक्शन, फोटोग्राफ, वोटर आईडी इन न्यू फॉर्मेट, ठीक है। अगर आप वोटर फोटोग्राफ अपना चेंज करना चाहते हैं, तो वोटर अपना फोटोग्राफ पे क्लिक कर दें,
जहाँ आप अपना वोटर कार्ड, जो वोटर आईडी है, इन न्यू फॉर्मेट में चाहते हैं तो न्यू फॉर्मेट पर क्लिक कर दें। तो सिंपली अगर नेम में करेक्शन करना चाहते हैं या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन चाहूँगा, फोटोग्राफ में भी चाहूँगा, और वोटर आईडी इन न्यू फॉर्मेट में भी। आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द डिटेल्स विच नीड टू बी करेक्टेड चेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे ऑप्शन क्लिक किया था करेक्शन में, तो आपको सिंपली यहाँ पे एज बोला, आप सीधे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर दें, और जो भी आपका डेट, ईयर ईयर होगा, मंथ होगा, डेट होगा, वो आपको सिंपली यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट आपके जो सेलेक्ट योर एज स्लैश डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दें जो भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, 10th 12th की मार्कशीट, 10th 8th की सॉरी, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पे, आपको सिंपली जो भी ये डॉक्यूमेंट होगा वो अपलोड करना होगा। उसके बाद हमने फोटोग्राफ के लिए करेक्शन डाली थी, फोटोग्राफ हम चेंज करना चाहते थे, तो जहाँ पे आपको सिंपली अपना जो फोटोग्राफ है वो डाल देना है। इसमें लिख लें, कलर फोटोग्राफ मस्ट बी इन पासपोर्ट साइज इस विच इज़ क्लियर शोइंग यूअर, ठीक है, फेस। उसके बाद जो भी इसकी जो साइज़ है लेस दैन 200 KB होना चाहिए, ठीक है, JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसके बाद बात की जाए वोटर आई डी न्यू फॉर्मेट, तो इट मीन्स योर करेक्टेड इन्फॉर्मेशन विल बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली टू न्यू फॉर्मेट विच आर कंटेनिंग बार कोड एंड 10 डिजिट यूनिक आईडी फॉर योर वोटर कार्ड। तो नोट, इफ यू वांट रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी विद करेक्शन, यू शुड अप्लाई फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी विद कस्टी फी। जो भी आप रिप्लेसमेंट से अपना जो वोटर कार्ड का, वोटर आईडी का न्यू फॉर्मेट ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तीन हमारी जो भी थी क्वायरीज थी, तो अभी हम सिंपली यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो डिटेल्स यानी कि रिस्पेक्ट रिलेटिव रेलिवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं आपको। इसके बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पेज पे जनरल डिक्लेरेशन मांगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर अप्लाइंग टू चेंज एज फोटोग्राफ वोटर आईडी इन न्यू फॉर्मेट। ठीक है, तो ये भी आपकी यहाँ पे डिटेल्स होगी, डेट डेट ऑलरेडी यहाँ पे होगी, जो भी आज का टूडे डेट जो भी होगी आज की डेट। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली एप्लीकेंट का जो नेम है यहाँ पे डाल देना है, और एंटर प्लेस, जो प्लेस होगी आपकी वहाँ पे, तो वो आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे इस तरह से आपका जो फॉर्म होगा प्रीव्यू हो जाएगा, आपको सिंपली अपनी डिटेल्स चेक कर देनी है। डिटेल्स चेक करने के बाद आपको सिंपली नीचे दिख रहा होगा अडिट फॉर्म, अगर आपकी कोई करेक्शन दिख रही है तो आप अडिट फॉर्म से यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। अगर करेक्शन नहीं है तो आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा कंग्रेचुलेशंस, जो भी आपका नाम होगा, यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन इन इलेक्ट्रोल। जो भी आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी इज, जो आपकी रेफरेंस आईडी होगी यहाँ पे आपको दे दी जाएगी। इससे इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और उसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी होगी उस पर भी ये ट्रैकिंग आईडी यानी कि रेफरेंस आईडी आपको मिल जाएगी। तो ये इस रेफरेंस आईडी से आप अपनी जो जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कभी भी। एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको सिंपली डैशबोर्ड में जाना होगा, और आपको टॉप में दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे पहले होम, इलेक्ट्रोल सर्च, कंप्लेंट और ट्रैक स्टेटस। आपको सिंपली ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप बाय मोबाइल जो भी आपकी जो एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी होगी वो आपको सिंपली यहाँ पे अपनी फिल कर देनी है। जैसे मैं अपनी जो रेफरेंस आईडी है वो यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो इस तरह से आप अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।